आज की वीडियो में मैं बनाने वाला हूँ कस्टम प्लेन विलेज। तो जैसा कि आप लोग को पता ही है, माइनक्राफ्ट के विलेज दिखने में बहुत ही बेकार होते हैं, तो आज फाइनली टाइम आ चुका है कि उनको मैं ट्रांसफॉर्म करूं। एंड ये वीडियो की रिकॉर्डिंग में मुझे 1 से 2 हफ्ते लग चुके हैं एंड इसकी एडिटिंग में मेरे को 1 हफ्ता लगा है। तो ये काफी बड़ा प्रोजेक्ट है और इसमें काफी ज्यादा मेहनत लग चुकी है, तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग एंड अगर लाइक एंड कमेंट कर सकते हो तो वो भी कर देना यारो। एक बात और भाइयों, तो अब मैं अपनी पॉकेट डिशन वाली चीज को कंटिन्यू करने वाला हूँ। पहले मैंने इसको इसलिए बंद किया था, मैं पीसी पे शिफ्ट कर गया था और पीसी पे बेडरॉक पेड थी, बट अब मैंने पेड वर्जन ले लिया है तो अब इसको कंटिन्यू करेंगे, इसके अपलोड आते रहेंगे। तो आज की वीडियो में 3 चीज बहुत कॉमन होने वाली है। पहला, मैं आपको दिखता रहूंगा फूड क्रिएट करता हुआ, सामान क्रिएट करता हुआ, यानी कि माइनिंग करता हुआ, तो ये बहुत कॉमन रहेगा। उसके बाद अगले मैं दिखता रहूंगा आपको बिल्ड बनाता हुआ अच्छे अच्छे, जो कि मैं आज बनाने वाला हूँ, मेरा मेन मोटिव भी बिल्ड बनाना है। और फिर लास्ट में दिखता रहूंगा, बीच में आता रहूंगा आपसे बातें करते हुए, तो ये 3 आपको बहुत दिखने वाले हैं। तो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि आज मैं ट्रांसफॉर्म करने वाला हूँ इस विलेज को, तो इसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए वैल्यू को करना पड़ेगा टेराफॉर्मिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जिसको नहीं पता टेराफॉर्मिंग क्या होती है, तो उसके लिए आपको बता देता हूं मैं। तो जो आपको दिख रहा होगा कि उबड़ खाबड़ सी लैंड है, इसको एक सही उसमें लेके आना, सीक्वेंस में लेके आना, तो उसको भी ट्रांसफॉर्म करने वाला हूँ। तो उसके लिए आएगा आपके सामने एक सुंदर सा मोन्टाज, उसको एंजॉय करना मिलता है आपको टेराफॉर्म करके। तो लेट्स गो। तो टेराफॉर्म करने के लिए हमें चाहिए होती है डर्ट, तो मैं वो लेके आया हूँ, आपको दिखाता हूँ मैं। तो मेरे एंड्रेस में पड़ी है वो, तो इस शल्कर में पड़ी होगी। हाँ, इस शल्कर में ही है। तो आप देख सकते हो मेरे पास हाफ शल्कर तो है, और बाकी भाई क्या है कर रही है, मेरे को करने देना। तो मेरे को ये टेराफॉर्म करना है, तो उसके लिए मेरे पास डर्ट तो थोड़ी सी तो है, बाकी मेरे को कलेक्ट करनी पड़ेगी। तो जितना इससे होगा आपको दिखाता हूँ, फिर बाकी कलेक्ट करके फिर से करेंगे, ठीक है? तो लेट्स गो। ओके, तो फाइनली गाइस मैंने यहाँ पे पूरी टेराफॉर्मिंग कर दी है। आप देख सकते हो कि जहां तक यहाँ पे पीछे वो था, सैंड था, मैंने उसको ग्रास से कवर कर दिया है। तो जितनी टेराफॉर्मिंग करनी थी उतनी तो मैंने कर दी है। और अभी एक काम जो भी नेक्स्ट मेरे को करना है वो है इस पूरे विलेज को डिस्ट्रॉय करना, ताकि अपन यहाँ पे एक अपना पूरा अच्छा सा बिल्ड बना सके, अच्छा सा विलेज बना सके। तो जल्दी से अभी टेंशन पड़ गया इसको डिस्ट्रॉय करने का, तो वो एंजॉय करना और लाइक कर दो वीडियो यार, ठीक है? काफी मेहनत लग रही है इस वीडियो पे, तो लेट्स गो। अभी आ गया टेंशन, एंजॉय करना उसको। ऑलराइट गाइस, तो फाइनली मैंने यहाँ पे पूरा क्लीन कर दिया विलेज को। काफी टाइम लग गया इसको क्लीन करने में, और यहाँ पे मैंने एक घर की लेआउट भी बना ली है। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ये बनाया था घर, देख रहा था कैसे बनने वाला है, ठीक है? तो अभी यहाँ पे अपने घर आने वाला है और इसके सामान मैंने कलेक्ट कर लिया, आपको दिखा देता हूँ। तो इसमें सिर्फ ये सामान लगने वाला है, तो अभी टेंशन ले पाएगा तो एंजॉय करना, और मिलता हूँ फिर आपको इस घर को बनाने के बाद। और बाकी सब घर का भी मैं सोच रहा हूँ ऐसे टाइम से दिखाऊँ आपको, और जल्दी से एक वीडियो कम्प्लीट करते हैं, फिर लेट्स गो। अभी करते हैं इसको स्टार्ट। तो ओके, फाइनली गाइस मैंने यहाँ पे अपना पूरा बिल्ड कंप्लीट कर दिया है, आपको दिखाता हूँ कि कैसा दिख रहा है वो। तो गाइस ये देखो, तो इसका टेंशन आपने देखा अभी, और ये काफी बढ़िया बिल्ड बन चुका है। यहाँ पे मैंने लैंटर्न यूज किए हैं, बाकी आप देख सकते हो कौन से ब्लॉक मैंने यूज किया है, मेरे को तो काफी बढ़िया लग रहा है। और इसमें इसका इंटीरियर भी कर दिया, आपको वो भी दिखाता हूँ मैं। और बाहर से आप देखो ऐसा एकदम ओपी दिख रहा है। और यहाँ पे मेरे को डालना है एक लावा, और बीच में यहाँ पे डालने मेरे को फर्नेस, वो भी डालूगा, वो मेरे पास अभी नहीं थी तो वो डाल देंगे बाद में, ठीक है? वो चलते हैं अंदर, तो अंदर आपको दिखाता हूँ। तो अंदर मैंने इसको जितना सिंपल रखा उतना सिंपल रखा है, बिकॉज मेरे को ज्यादा नहीं करना था यार, क्योंकि एक बार अगर ये विलेज बन जाएगा उसके बाद यहाँ पे कौन ही आएगा, आपको पता ही है वो, ठीक है? तो उसके लिए तो ये अपना बिल्ड ऐसा है कुछ। अभी कुछ बताना आपको ये बिल्ड कैसा लगा। तो अभी जो दूसरा बिल्ड है वो मेरा आने वाला है यहाँ पे, और इसका भी डिलीवरी कलेक्ट कर लिया, आपको दिखा देता हूँ मैं। ये देखो, तो ये मटेरियल इसमें लगने वाला है, तो अभी इसका आएगा टाइम स्लैप, वो भी इंजॉय करना सेम वैसा ही। तो मिलता हूँ आपको ये करने के बाद।
ऑलरेडी गाइस, तो फाइनली मैंने दूसरा घर भी कंप्लीट कर दिया है। आपको दिखाता हूं कैसा दिख रहा है। मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया दिख रहा है, बाकी आप मेरे को कमेंट्स में बताना आपको कैसा लग रहा है वो। तो बाहर से कुछ ऐसा दिख रहा है, मैंने जो सिंपल मेजर होते हैं उसका घर ही उठाया और उसको बस कस्टमाइज कर दिया। तो इंटीरियर में अगर आपको दिखाऊं तो बस यही मैंने किया है कि अंदर से बहुत छोटा घर है ये। मैंने यहाँ पे बैरल ऐड कर दी, यहाँ पे एक चेस्ट ऐड कर दी, यहाँ पे एक क्राफ्टिंग टेबल है और यहाँ पे बेड और ये आर्मर स्टैंड। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट बिल्ड के पास, तो उसका सामान भी मैं आपको कलेक्ट करके जल्दी से मिलता हूँ। तो इन 3, 2, 1 और ये बूम। ऑलरेडी गाइस, तो फाइनली मैं सोच रहा था कि आप लोगों को भी थोड़ी सी मैं क्लिप दिखा दूं मटेरियल कलेक्शन की, क्या क्या मैं करता हूं। सिंपली आपको वुड कटिंग, थोड़ी सी माइनिंग और बस थोड़ा बहुत मैं ट्रेडिंग करना दिखाने वाला हूं, तो वो आप देखना। और जिसने अभी तक वीडियो देखी है आपको मजा आ रहा होगा भाई, प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, इट विल मीन अ लॉट। चलो अभी आपको दिखेगी क्लिप, तो देखो एंजॉय करो। ऑलरेडी गाइस, तो फाइनली मैंने सारा सामान रेड कर लिया है जो कि मेरे को आगे के 3 मिनट में लगने वाला है। आगे जो टाइम साहब आएगा आपको 3 मिनट का आएगा वो, तो आपको पहले मैंने बता दिया है। तो जो आपको दिखाता हूँ कि अभी सामान क्या क्या लगने वाला है। तो एक तो लगने वाला है मेरे को ये सारा, ये देखो वुड वगैरह, और एक मेरे को लगने वाला है यहाँ पे पूरा स्टोन जो कि मेरे को डिटेलिंग के लगने वाला है, और एक मैंने सारा किया अभी प्लैंक्स और ये यू नो चेयर्स वगैरह। तो चलो अभी जल्दी से बिल्ड बनाते हैं और फिर आपको मिलता हूँ ये बिल्ड बनाने के बाद। ओके, तो फाइनली गाइस मैंने यहाँ पे तीजे घर और ऐड कर दिए हैं, आपको भी टाइम से पे दिखे होंगे वो। मैंने बहुत जल्दी दिखा दिया बट उसके पीछे काफी ज्यादा मेहनत लग चुकी है मेरी, काफी ज्यादा टाइम लग चुका है। तो आपको वो मैंने एडिटिंग की वजह से बहुत छोड़ करके दिखा दिया, ठीक है। चलो आपको भी दिखा दो वो कैसे लग रहे हैं, तो लेट्स गो। ओके, तो सबसे पहले आप लोग को मैं ये वाला घर दिखाता हूँ जिसमें मैंने यहाँ पे स्क्रूज यूज किया, स्टोन यूज किया, यहाँ पे ओक यूज किया। सिंपल सा घर है, छोटा सा घर है, इंटीरियर मैंने कभी किसी घर का नहीं किया, ये जो भी नया बनाया है, जो पुराने वाले दो थे उसका तो मैंने किया हुआ है। उसके बाद मैंने लंबा सा घर, ये भी ये खुद डिजाइन किया है मैंने और ये काफी बढ़िया लग रहा है मेरे को। तो बाकी आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हो कि आपको ये घर कैसा लगा, और इसका मैंने इंटीरियर नहीं किया। अब इसके ऊपर जाएंगे तो ऊपर से हमारे जो सबसे पहले वाला घर था वो दिखेगा और बाकी का विलेज भी दिखेगा, काफी अच्छा व्यू आता है यहाँ से और मेरे को ये काफी बढ़िया लगा। और उसके बाद भी चलते हैं अगले घर पे जो कि मैंने इसके साइड पे ऐड किया है, वहाँ पे चलते हैं, ठीक है। तो दिखाता हूँ, तो एक ये वाला घर, ये जो सेम मैंने यहाँ से ऐसे दो घर ऐड कर दिए, जो पीछे वाला छोटा घर था वो सेम है वैसा, ठीक है। तो इसके यहाँ पे मैंने चिमनी लगा दी है, बेसिकली ब्लैक स्मिथ को सोच के मैंने ये घर बनाया था। ऊपर मैंने छत पे हे बिल का यूज किया, साइड पे मैंने स्टोन ब्रिक का यूज किया और ब्रिक्स का यूज भी किया है, और साइड पे मैंने आर्मर लगा दिया। अभी इंटीरियर का किया नहीं है, वो इन फ्यूचर करते रहेंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसा अपना विलेज दिख रहा है, अभी आपको उड़ के दिखा देता हूँ, तो उड़ के कुछ ऐसा व्यू आ रहा है, ठीक है। बाकी मेरे को कमेंट्स में बताओ कि आपको कैसा लग रहा है। तो ऐसा कुछ व्यू है और अभी और भी बिल्ड आने वाले जो कि आगे ऐड करने वाला हूँ, तो चलो अभी उसकी तैयारी शुरू करते हैं और लेट्स गो। ओके, तो फाइनली मंगट करने के बाद मैंने यहाँ पे पिलर बनाने स्टार्ट कर दिए थे, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने पूरे बाउंड्री बना रखी है, बस मेरे को यहाँ पे पिलर खड़े करने थे। फिर मैंने ज्वाइन किया पिलर्स को आपस में ताकि एक अच्छी सी फाउंडेशन बन सके। देन मैंने स्टोन की वरायटी के साथ इसको भरना स्टार्ट कर दिया। स्टोन की वरायटी मतलब कोबल स्टोन, स्टोन, उसके बाद स्टोन ब्रिक एंड एनर्जेट, मैं यही यूज करने वाला था। देन मैं आ चुका था इस घर के मिड में और मैंने बनाश कर दिया फिर 6 ब्लॉक हाइट का टावर, बिकॉज इस घर का मेन दिखने वाला चीज ही टावर ही था, ये टावर वाला घर था। तो मैंने 6 ब्लॉक ऊपर का टावर बना दिया, फिर उसको नीचे ज्वाइन किया। देन उसके बाद जो मिड में गैप थे उसको फिल किया ओक की वुड से।
देन मेरा जो अगला काम था वो था टावर की छत बनाना, तो मैंने वहाँ पे स्प्रूज के ट्रैपडोर और स्टेयर्स का यूज किया। मैंने एज पे स्प्रूज के ट्रैपडोर और स्टेयर्स लगाना स्टार्ट कर दिया, और फिर जो मिडवे पार्ट बचा था मैंने वहाँ पे ओक का यूज किया, ओक की स्टेयर्स और बोर्ड का यूज किया। तो फिर ऐसे करके मैंने इसकी छत भी कम्प्लीट कर दी। एंड अब मेरा बस लास्ट काम बचा था, वो था नीचे की रूफ कम्प्लीट करना। मैंने वो सेम वैसे ही की जैसे बाकी लड़के कर रहा था, मैंने वहाँ पे स्प्रूज की स्टेयर यूज की और बाकी ओक की स्टेयर यूज की। फिर मैंने ऐसे करके वो उसकी भी छत कम्प्लीट कर दी। ऑलराइट, तो घर बनाने के बाद मैं यहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ और मैं सोचता हूँ कि अब मेरे को वहाँ पे फील्ड बनाने हैं। मैंने बहुत सारे घर बना दिए, आपको मैं लास्ट में वर्ल्ड टूर दूंगा, मैं चिल मारू अभी आपको पूरा नहीं दिखा रहा मैं, ठीक है। तो चलते हैं अभी घर पे अपने जो अपना मेन बेस है, क्योंकि वहाँ पे मेरे को चाहिए थे सीट चाहिए थे, वहाँ पे पड़े होंगे तो वहाँ से लेके आते हैं, ठीक है। पहले अपना घर चेक करने वाला हूँ, फिर अगर घर पे नहीं होंगे तो फिर अपना फील्ड इतना बड़ा है वहाँ से ले ही लेंगे। तो जिसको नहीं पता गाइस, ये मेरा मेन बेस है। अगर आपने वीडियो देखी है तो आपको पता होगा, अगर आपको नहीं पता, आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो भाई ये मेरा मेन बेस है। आप देख सकते हो कितना अच्छा से मैंने बनाया ये, और इसकी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, मैंने पूरी प्ले लिस्ट बना के रखी हुई है। और बाकी अब देखते हैं मेरे घर पर पड़े हैं कि नहीं, मेरे को कुछ आइडिया तो नहीं है मेरे घर पर पड़े हैं कि नहीं, ठीक है। वो ऊपर जाते हैं अपनी स्टोरेज में चेक करते हैं। जब तक मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ, आपको एक ही काम है, मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन, ठीक है। और मैं फिर क्या चेस्ट खोलता हूँ, चेस्ट में मेरे को सिर्फ 12 मिलते हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ, मेरे को अपने फील्ड में लेना पड़ेगा और फील्ड से लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो अपने पास इतने बड़े बड़े फील्ड हैं, पोटैटो के, कैरेट के और वीट के भी काफ़ी बड़ा फील्ड है, तो मैं फिर वहाँ जाता हूँ और वहाँ से लेना स्टार्ट कर देता हूँ, अभी जाने वाला हूँ वहाँ पे। तो हाँ, मैं क्या बोल रहा था, लाइक सब्सक्राइब शेयर वो कर देना, और अगर शेयर करोगे तो भाई बहुत मोटिवेशन मिलेगी यार, फिर ज़्यादा बंदे देखेंगे, ज़्यादा बंदे अपने से जुड़ पाएंगे, अपनी फैमिली से जुड़ पाएंगे, ठीक है। तो वो कर देना। तो यहाँ फिर आता हूँ अपने वीट फील्ड पे, और फिर यहाँ पे आके मैं वीडियो स्टार्ट कर देता हूँ। और डोंट वरी गाइस, यहाँ पे मैं दोबारा प्लांट भी कर देता हूँ। तो उसके बाद प्लांट करने के बाद मैं जाता हूँ कैट फील्ड पे और फिर उसको भी लेता हूँ, बट उसको मैं प्लांट दोबारा नहीं करता, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। तो चलो अभी ये काम हो चुके अपना, और फिर उसके बाद चलते हैं। अभी टाइम स्लैप आएगा आपको अच्छा सा वीट फील्ड का और कैरेट फील्ड का, तो एंजॉय करना, मिलता है आपको पूरा विलेज कंप्लीट करके, लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, तो फाइनली मैंने पूरा विलेज कंप्लीट कर दिया है विद डेकोरेशन, मैंने पूरा एंड लगा दी विलेज में, आपको दिखाता हूँ कैसा लग रहा है विलेज। तो इन 3, 2, 1 और ये बूम। तो फाइनली गाइस, ये अपना विलेज, छोटा सा विलेज है और काफी बढ़िया मैंने बना दिया है, आपको दिखाता हूँ। तो ये ऐसा मैंने पाथ बनाया है, साइड में मैंने क्या बोलते हैं इसको, मैं भूल गया, कोर्स डॉट, हाँ इसको कोर्स डॉट लगा दिया। यहाँ पे मैंने अपना कैरेट फील्ड लगाया और यहाँ पे मैंने अपना वीट फील्ड लगाया, जिसके बीच में से पाथ जा रहा है, ठीक है। और ये आपका स्टैचू देख ही सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे एक छोटा सा घर जो मैंने आपको दिखाया था, उसका ये लाइब्रेरी का घर जो मैंने आपको नहीं दिखाया, बट ये भी काफ़ी बढ़िया, आपको बाद में दिखाता हूँ। पहले हम यहाँ से जाएंगे साइड से, ठीक है, यहाँ से इसको फॉलो करते हुए। और ये अपना कैरेट फील्ड, यहाँ पे मैंने कैंप फायर लगाया अच्छा लुक देने के लिए। बाकी मेरे कमेंट में बताओ आपको कैसा लग रहा है, अब आगे चलते हैं। तो आगे अपने फर्स्ट घर जो मैंने बनाया था, यहाँ पे डिटेलिंग के नाम पे यहाँ पे फ्लावर लगा दिए, लैंटर्न लगा दी, फेंस लगा दी, बुशेज लगा दी, ठीक है। अब मेरे को बताओ आपको कैसा लग रहा है, उसके बाद हम इसको फॉलो करते जाएंगे। यहाँ पे अपना ये वाला घर आएगा, इंटीरियर मैंने किसी का घर कभी नहीं किया, ठीक है, वो बाद में करेंगे, बस इस घर का किया था वो मैंने आपको पहले भी दिखा दिया था, ठीक है। अभी चलते हैं आगे की तरफ, और मैंने यहाँ पे ये वाला घर ऐड किया है, और ये भी अंदर से काफ़ी छोटा घर है, बट ये काफ़ी बढ़िया यहाँ पे अच्छा लग रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने ये वाला घर ऐड किया, अभी यहाँ चलते हैं। यहाँ पे मेरा फ्लावर फील्ड आता है जो कि काफ़ी बढ़िया लग रहा है, आप देख सकते हो, देखो कितना बढ़िया लग रहा है फ्लावर फील्ड, ठीक है। अभी इसको यहाँ चलते हैं, इसको फॉलो करते हुए। और अगर हम यहाँ पे आएंगे तो अपने ये बड़ा टावर वाला घर जो मैंने आपको दिखाया था वो सब करते टाइम, उसके सामने मैंने एक और घर ऐड किया है जो कि ये भी टावर जैसा घर ही है और एक काफ़ी बढ़िया घर है, ठीक है। अब इसके अंदर चलते हैं, अंदर तो वैसे कुछ होगा नहीं, तो आगे चलते हैं। तो अभी हम आगे चलते हैं, और यहाँ पे मैंने फिर यहाँ पे बेरी का फील्ड बनाया जो कि काफ़ी बढ़िया लग रहा है। इसके आगे जाते हैं, मैंने यहाँ पे सनफ्लावर का फील्ड बना दिया जो कि ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अगर इसको फॉलो करेंगे तो हम यहाँ पे सी के पास आ जाएंगे, मतलब उसी के पास आ जाएंगे यहाँ पे मजे लेने के लिए, ठीक है। तो ये काफ़ी बढ़िया लग रहा था मेरे को। तो अभी आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ जो मैंने यहाँ पे ऐड किया है। तो यहाँ पे हम आके अपनी आर्चरी कर सकते हैं, यहाँ पे हम अपना बो एंड एरो मार सकते हैं वहाँ पे, और काफ़ी बढ़िया लगेगा, ठीक है। आपको अंदर आके दिखाता हूँ अंदर मैंने क्या बनाया। मैंने इसको पाथ बनाया था, मतलब रैंडम पाथ बनाया था जो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और इसके पीछे वीट फील्ड, और मैंने बी हाई भी लगा दिया जिसके अंदर बी भी थी, और काफ़ी बढ़िया लग रहा था ये भी, ठीक है। और मैंने यहाँ पे फिर ये भी ऐड किया जिसको बोल सकते हैं आप बार्न है टाइप का, ठीक है। आपको इसके अंदर दिखाता हूँ, तब मेरे काफ़ी ज़्यादा मैंने यहाँ पे घोड़ों को ब्रीड करवाया था, ये मेरे ही घोड़े हैं अभी सारे, हमें इनके लिए पानी रखा था, यहाँ पे हे बेल है, थोड़ी सी बुशेस लगा दी ऊपर, और यहाँ पे पंपकिन हो रही है, और काफ़ी बढ़िया लग रहा था ये।
और अगर हम आगे जाएंगे तो यहाँ पे मैंने फिर यहाँ पे ऐसे दिखाने के लिए लुक वाइज के लिए बोनविल मार दी थी, थोड़ी सी प्लांट ग्रो कर दिए थे, बाकी हेबे लगा दी थी। और अपने आपको ये घर तो दिखाई था, उसके आप दिखेंगे ये वाला घर, जो कि ये काफ़ी बड़ा घर है, ये भी टावर जैसा घर है, लाइब्रेरी वाला घर है, ठीक है। वो मैंने ऐसे ही बनाया था टावर वाला घर, बट ये मैंने लाइब्रेरी का सोच के बनाया था। इंटीरियर जब करेंगे तो काफ़ी बड़ा लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बैठने के लिए जगह बना दी थी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हेबल लगा दी, तो मैंने हेबल का काफ़ी यूज़ किया इस विलेज में। तो अभी चलते हैं उस साइड को जहाँ पे एक और मैंने वीट फील्ड बनाया था अपना। तो अगर हम इस साइड आएंगे तो यहाँ पे अपना एक और वीट फील्ड है जहाँ पे मैंने ये लगाया था और काफ़ी बढ़िया लग रहा है। बाकी कमेंट्स में बताना आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। अगर हम इसको फॉलो करेंगे तो आगे एक और फील्ड आएगा, जो कि ये फील्ड तो नहीं बोल सकते, बट यहाँ पे मैं कौन सा एनिमल रखूँगा मेरे को बता देना। ये मैं सोच रहा हूँ तो कार रखूँगा या पिग रखूँगा या शीप रखूँगा, इन तीनों में से कौन सा रखना मेरे को कमेंट्स में बताओ, मैं वही रखूँगा यहाँ पे, ठीक है। अभी अगर ऊपर से आपको नज़ारा दिखाता हूँ कि ऊपर कैसा दिख रहा है अपना विलेज, तो ये देखो गाइस क्या ही परफेक्ट दिख रहा है ऊपर से विलेज, और काफ़ी भरा भरा लग रहा है। और अगर आप बोलते हो कि कुछ और ऐड कर, मैं वो भी कर दूंगा इन फ्यूचर, बस मेरे को कमेंट्स में बताओ कि और क्या क्या ऐड करना है और क्या क्या चीज़ से और अच्छा विलेज बन पाएगा, ठीक है। तो चलो आज की वीडियो में इधर चलते हैं, अभी चलते हैं आउट की तरफ, लेट्स गो। हाँ जी गाइस, तो कैसी लगी, आ गया स्वाद। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है देन मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, इट मींस अ लॉट। तो मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, पीस आउट, बाय बाय, और हाँ साइनिंग ऑफ।